सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। अमेरिका ने पिछले हफ्ते 6 जुलाई को भारत के साथ होने जा रही 2+2 डायलॉग मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया था। हालांकि इसकी कोई भी ठोस वजह नहीं बताई गई थी और ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका ने इस मीटिंग को इसलिए पोस्टपोन किया है क्योंकि अगले महीने अमेरिका और रशिया के बीच एक समिट को आयोजित किया जा सकता है। लेकिन अभी स्पष्ट हो गया है कि इस मीटिंग को पोस्टपोन किए जाने का कारण अमेरिकी विदेश मंत्री की उत्तर कोरियाई यात्रा है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पेयो 5 जुलाई को उत्तर कोरिया की यात्रा पर जा रहे हैं और भारत और अमेरिका के बीच 6 जुलाई से वार्ता होने वाली थी और माइक पोम्पेयो इसका अहम हिस्सा थे। और ऐसे में माइक पोम्पेयो की एक दिन पहले उत्तर कोरिया की यात्रा की वजह से इस मीटिंग को पोस्टपोन किया गया है। और अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पेयो ने इस दौरे की पुष्टि करते हुए कहा है कि वे 5 से 7 जुलाई तक उत्तर कोरिया के दौरे पर होंगे। और इससे स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका ने इस मीटिंग को रशिया की वजह से नहीं बल्कि अमेरिकी विदेश मंत्री की अचानक उत्तर कोरिया की यात्रा की वजह से पोस्टपोन किया है। DRDO की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक स्वदेशी तौर पर विकसित की जा रही मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के सॉफ्ट लॉन्च प्रपल्सन को चेक करने के लिए इसके पॉप आउट परीक्षणों को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। और साथ ही इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के स्टैटिक TVC और सेपरेटली टैंडम वॉरहेड्स के परीक्षण भी जारी हैं। ये एक थर्ड जनरेशन की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसे इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री और पैरासूट बटालियंस के लिए DRDO द्वारा एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी BEM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। और DRDO का कहना है कि ये एक फायर एंड फॉरगेट फीचर वाली एंटी टैंक मिसाइल है और ये मिसाइल मौजूदा समय में इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सोवियत यूनियन और फ्रांस की सेकेंड जनरेशन की मिलान और कॉन्क्रेस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को रिप्लेस करेगी। और इस प्रोजेक्ट में शामिल BEM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का कहना है कि इस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ इस साल के अंत तक टेस्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स शुरू होंगे। और कंपनी का कहना है कि 2020 तक ये मिसाइल अपने यूजर ट्रायल्स के लिए तैयार हो जाएगी। भारत के गार्डनर से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE ने ब्राजीलियन नेवी टेमेंडर क्लास कॉर्वेट प्रोग्राम के डिजाइन कॉन्सेप्ट का खुलासा कर दिया है जिसके अनुसार इसकी लेंथ 109 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 2800 टन, टॉप स्पीड 25 नॉट यानी करीब 46 किलोमीटर प्रति घंटा और कॉम्प्लीमेंट 136 होगा। इसके अलावा इसमें इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, थेस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड कम्युनिकेशन किट, ल्यूनाडो सेंसर्स, गन्स और टॉर्पेडोज को इंटीग्रेट किया जाएगा। और इसके साथ ही इसे MBDS, एक्सोसेट और ST-30 मिसाइल, टर्मा डिकॉय लॉन्चर्स और कैनेडियन सोनार सिस्टम से भी इक्विप्ड किया जाएगा। भारत सरकार ने इंडियन आर्मी ब्रिगेडियर की अगुवाई में 9 मेंबर्स वाली एक एम्पावर्ड कमेटी को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इजराइल और UAE के लिए रवाना किया है जो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए नई असॉल्ट राइफल्स और क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइंस की खरीद की संभावनाओं को तलाशेगी। और ऑफिशियल्स का कहना है कि 9 मेंबर्स वाली एम्पावर्ड कमेटी इन देशों में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स या उनके वेंडर्स की राइफल और कार्बाइंस का मूल्यांकन करेंगी और इन असॉल्ट राइफल्स को ऑपरेशन जरूरतों के हिसाब से फास्ट ट्रैक प्रोसेस के आधार पर खरीदा जाएगा। चाइना ने एक नए पोर्टेबल लेजर वेपन को विकसित किया है जो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस से भी टारगेट को हिट करने में सक्षम है और इस पोर्टेबल लेजर गन का नाम है ZK-ZM-500 लेजर। और चाइना द्वारा विकसित की गई ये लेजर गन हॉलीवुड की काफी मशहूर फिक्शन मूवी स्टार वॉर में दिखाई जाने वाली लेजर गन की तरह ही है। हालांकि ये गन इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है लेकिन फिर भी ये एक लेजर एनर्जी बीम को प्रोड्यूस करती है जो किसी भी क्लोथ और ह्यूमन स्किन और टिश्यूज को जला सकती है। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।